Hello children, today we are going to listen to another story. The name of the story is Bhima the Sleepy Head. Sleepy Head मतलब निद्रालु, जिसे बहुत नींद आती है, जो हमेशा सोता ही रहता है. Okay? Bhima loves to sleep and just cannot get up early. अभी ये जो भीमा है, जो कि एक डोंकी है, ओके, उसे नींद बहुत पसंद थी और वो कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था. अर्ली मतलब जल्दी नहीं उठ पाता था. रामू द वॉशरमैन स्कोल्ड्स भीमा ऑफन. रामू नाम का जो धोबी था, जो वॉशरमैन था, वो भीमा को अक्सर चिल्लाता था. ऑफन मतलब अक्सर और स्कोल्ड मतलब चिल्लाना. ऑफन यूज टू स्कोल्ड भीमा, मतलब उसे अक्सर डांटता रहता था, चिल्लाता था. वन डे गौरी द काउ आस्क्ड हिम. एक दिन गौरी नाम की एक गाय ने उसे पूछा, भीमा व्हाई आर यू सो सैड. तुम इतने दुखी क्यों हो भीमा, तुम इतने दुखी क्यों हो भीमा. भीमा सेड, आई कैनॉट गेट अप अर्ली एंड रामू शाउट्स एट मी एवरी डे. भीमा ने कहा कि मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ और रामू मुझे हर दिन चिल्लाता रहता है. विल यू वेक मी अप एवरी मॉर्निंग प्लीज. क्या तुम मुझे हर सुबह जगाओगी प्लीज. क्या तुम, उसने रिक्वेस्ट की, क्या तुम मुझे हर सुबह जगाओगी. यस आई विल सेड गौरी. हाँ मैं जरूर करूंगी, गौरी ने कहा. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग गौरी मूड लाउडली बट भीमा डिड नॉट वेक अप. अगले दिन सुबह गौरी ने जोर से आवाज लगाई. मूड मतलब द साउंड विच अ काउ मेक्स. ओके दैट इज मूड. ओके मूड लाउडली बट भीमा डिड नॉट वेक अप. पर भीमा उठा ही नहीं. कमिंग बैक फ्रॉम द रिवर इन द इवनिंग भीमा मेट मोती द डॉग. नदी से आते आते, नदी से जब वो शाम को आ रहा था, तब भीमा को मोती नाम का एक कुत्ता मिला. आई कैन नेवर गेट अप इन द मॉर्निंग ऑन टाइम, विल यू वेक मी अप, भीमा आस्क्ड मोती. मैं कभी भी टाइम पर सुबह नहीं उठ पाता हूँ, क्या तुम मुझे जगाओगे, भीमा ने मोती से पूछा. यस I will, said Moti. And the next morning, he barked and barked, but did Bhima wake up? No, sir. Yes, I will, said Moti. Haan, zarur, Moti ne kaha. And the next morning, he barked and barked. Aur agli subah, usne jor jor se bhaukna shuru kiya. But did Bhima wake up? पर क्या भीमा उठा. नो सर, नहीं जी, बिल्कुल नहीं उठा. दैट इवनिंग भीमा मेट चीनू द रूस्टर. रूस्टर मतलब मुर्गा. ओके उस शाम को भीमा चीनू नाम के एक मुर्गे से मिला. ही सेड टू चीनू, यू क्रो इन द मॉर्निंग एंड एवरीबडी वेक्स अप, विल यू वेक मी अप टू. उसने चीनू से कहा कि तुम हर सुबह बांग लगाते हो. क्रो इज नॉट अ बर्ड ओवर हियर. द रूस्टर क्रोज मतलब जो मुर्गा सुबह सुबह आवाज लगाता है ना, जब सुबह होती है तो उसको क्रोइंग बोलते हैं. तो भीमा ने कहा कि तुम सुबह सुबह सबको जगाते हो, आवाज देकर सबको जगाते हो. Will you wake me up too? क्या तुम मुझे भी जगाओगे?
चीनू अग्रीड। चीनू ने हाँ कहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग चीनू क्राउड लॉन्ग एंड लाउड बट भीमा डिड नॉट वेक अप। चीनू ने हाँ कहा और अगली सुबह चीनू ने जोर से और बहुत दूर तक आवाज लगाई बट भीमा डिड नॉट वेक अप। पर भीमा उठा ही नहीं। द नेक्स्ट इवनिंग भीमा सॉ कालू द क्रो काउइंग अवे हैप्पीली। अगली शाम को भीमा ने कालू नाम के एक कौवे को देखा जो काउइंग मतलब आवाज करते करते खुश होके जा रहा था। कालू विल यू वेक मी अप इन द मॉर्निंग प्लीज ही आस्क्ड। कालू क्या तुम मुझे सुबह जगाओगे प्लीज उसने पूछा। कालू सेड व्हाई नॉट आई विल काउ एंड वेक यू अप। कालू ने कहा क्यों नहीं मैं जोर जोर से काउ करूंगा और तुम्हें जगाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग कालू काउड ऑल ही कुड बट भीमा डिड नॉट वेक अप। अगली सुबह कालू ने जोर जोर से काव काव किया पर भीमा उठा ही नहीं। भीमा वॉज सैड भीमा दुखी था। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ फ्लाई केम एंड सैट ऑन हिज नोज। अगली सुबह एक मक्खी आई और भीमा के नाक पर बैठी। आछू आछू भीमा गॉट अप विथ अ बिग स्नीज। आछू आछू ऐसा आवाज करके भीमा जोर से आवाज किया। भीमा उठा एक जोर की छींक देकर। स्नीज मतलब छींकना। जोर की छींक आई और वो उठा। वाओ आई वोक अप हाउ डिड आई वेक अप ही आस्क्ड इन वंडर। अरे वाह मैं उठ गया लेकिन मैं कैसे उठा उसने आश्चर्य से पूछा। आई वोक यू अप सेड द फ्लाई मैंने तुम्हें जगाया उस मक्खी ने कहा। विल यू वेक मी अप लाइक दिस अर्ली एवरी मॉर्निंग क्या तुम मुझे हर रोज इतने जल्दी हर सुबह उठाओगी। श्योर सेड द फ्लाई जरूर उस मक्खी ने कहा। भीमा वॉज हैप्पी भीमा खुश था। नाउ ही वुड हैव नो प्रॉब्लम गेटिंग अप अर्ली एवरी मॉर्निंग अभी उसे सुबह जल्दी उठने में कोई भी समस्या नहीं थी। थैंक यू चिल्ड्रन।